स्वागत है आपका एक और नए अल्टीमेट प्रोजेक्ट की वीडियो में। और आज का जो हाउस है वो यार वाकई बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। पीछे से आप देख के समझ ही गए होंगे कि कितना शानदार आज का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। देखिए 325 वर्ग गज में बना हुआ है, ईस्ट फेसिंग का हाउस है, 5 BHK का है। तो अभी हम इसका कंप्लीट हाउस का टूर करने वाले हैं। प्रॉपर्टी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ ही आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी की विजिट करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ हाउस के कॉर्नर पे। देखिए यहाँ से आप हाउस का एक बार लुक देखिए किस तरीके का है, बहुत ही प्यारा लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इस हाउस में आपको जो प्लांटेशन है वो यार बहुत तगड़ी मिलने वाली है। लगभग 600 से 700 यहाँ पर छोटे बड़े प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, जो कि अभी आपको पूरा हाउस का टूर करेंगे तो देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हाउस के सामने की तरफ का आपका एक छोटा गार्डन एरिया है। और पहले हम चलने वाले हैं हाउस के मेन एंट्रेंस की तरफ और फिर मैं आपको पूरा हाउस अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो देखिए एक ग्रीन एरिया आपने उधर देखा था, एक छोटा ग्रीन जोन आपको इधर भी मिलने वाला है। और ये हाउस आपके जयपुर शहर का है। जयपुर शहर में अगर आप भी चाहते हैं ऐसी कोई अल्टीमेट, ऐसी कोई प्रीमियम प्रॉपर्टी परचेज करना तो एक बार आप हमसे कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके के हाउस यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो पर्टिकुलर हाउस है, ये हाउस आपका जयपुर शहर में निर्माण नगर में बना हुआ है। यहाँ से मैं बात करूँ आसपास की कनेक्टिविटी की तो वैशाली नगर यहाँ से नियरेस्ट है, आपका मानसरोवर मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बहुत ही अच्छी और प्राइम लोकेशन की आज की ये प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए एक बार हाउस का एलिवेशन। देखिए 45 फीट का इसका फ्रंट है हाउस का, 45 फीट के फ्रंट के साथ ही इसकी जो डेप्थ है वो आपकी है 65 फीट की। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सामने की तरफ देखिए स्टोन के साथ में बहुत ही लाजवाब काम आपको यहाँ पर करके दिया जा रहा है। और 3 फ्लोर का ये आपका हाउस बना हुआ है, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड 3 फ्लोर्स है। यहाँ पे सामने की तरफ आप देखते हैं तो ग्रीनरी आपकी यहाँ भी लगाई हुई है, एक बड़ा पेड़ यहाँ पे है जो कि पहले से है। और ये आपकी बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल पे आप देखेंगे तो बीच में देखिए ग्लास के साथ में एक बढ़िया सा लुक यहाँ पर दिया हुआ है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर ग्रेनाइट और आपका स्टोन के साथ में काम करके दिया जा रहा है। रैंप एरिया की बात करूं तो रैंप एरिया में भी आपको यहां पे स्टोन और ग्रेनाइट का काम मिलने वाला है। और इस हाउस में हर एक एंट्रेंस पॉइंट एंट्री पॉइंट पे सीसीटीवी कैमराज यहां पे लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी का पूरा यहां पे ध्यान रखा हुआ है। मेन जो आपका एंट्री गेट है उसकी जो डिज़ाइंस है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, जो कि आपको थोड़ा सा फील दे देती है वुडन फिनिश का। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी देखिए आपका जो मेन एंट्रेंस है इसे अच्छा लुक देने के लिए यहाँ भी एक स्टोन फिनिश के साथ में वर्क करके इसमें लाइटिंग दी हुई है। अब आ जाइए आप हाउस के अंदर की तरफ और ये हाउस है आपका पूर्व मुखी। यहाँ है आपका पार्किंग एरिया जहाँ पे 2 बड़ी गाड़ियाँ आप आसानी से लगा सकते हैं। 45 फीट का फ्रंट है तो यार आराम से लगा ही पाएंगे आप यहाँ पर 2 गाड़ियाँ और बाइक वगैरह भी अपनी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अब देखिए वो पार्ट हमने अभी देखा था, एक बार जल्दी से आप एक बार इसका और लुक देख लीजिए। 2 एंट्री आपको उधर से मिल रही है हाउस में और इस साइड देखिए यहाँ तक पूरी गैलरी आपकी जा रही है, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे। ऊपर से यहाँ से लुक देखेंगे आप तो बालकनी एरिया यहाँ पे रूम्स के आ रहे हैं, वो भी हम ऊपर से और जाके देखने वाले हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पर देखिए आपका अंदर की तरफ लिविंग एरिया है और उसमें यहाँ दिया हुआ है बड़ा सा एक फिक्स ग्लास जो कि आपके हाउस को बाहर की तरफ से एक अच्छा सा लुक भी देता है, साथ में नेचुरल जो लाइट है वो भी आपके घर में प्रॉपर यहाँ से रहने वाली है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो वुडन फिनिश के साथ में वर्क है, एक छोटा फैन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ आप बैठना चाहे आराम से बैठ सकते हैं। अब आ जाइए इस पार्ट की तरफ और यहाँ भी आप देखेंगे तो जो ग्रीन जोन है उसमें धूप वगैरह लगाई हुई है और इस साइड में भी दिए हैं आपको बढ़िया से फिक्स ग्लास बड़ी साइज में। यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर तक आपको देखिए प्लांट ही प्लांट दिख रहे होंगे और यहाँ पे साइड वॉल पे भी बहुत ही बढ़िया सा काम किया हुआ है, जो कि यहाँ पे जो एलिवेशन लाइट्स जलेगी तो बहुत ही शानदार लुक यहाँ पे
आपके हाउस का रहने वाला है। इस वॉल पे भी देखिए स्टोन फिनिश के साथ में वर्क करके दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम एंटर करने वाले हैं अपने इस शानदार से हाउस के अंदर की तरफ। और प्रॉपर्टी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ ही ऐसे और भी बढ़िया से प्रॉपर्टी के वीडियोस देखने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आइए अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आपका जो मेन जो डोर है हाउस का वो देखिए इस फिनिशिंग के साथ में है। और जो फ्लोरिंग है हाउस की वो आपको यहाँ पे इटालियन मिलने वाली है। एंटर करते ही आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ डेकोर किया हुआ है लाइटिंग वगैरह की मदद से, जो कि आपके एंट्रेंस को काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बना देती है। ऊपर की डिज़ाइंस देख लीजिए। अब देखिए मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसका लेआउट। तो ये है ग्राउंड फ्लोर इसका, ऊपर की तरफ दो और फ्लोर है और इस फ्लोर पे आपको मिलने वाला है बेडरूम, एक आपका पाउडर रूम और एक आपका मॉड्यूलर किचन। देखिए यहाँ पे आपका लिविंग, डाइनिंग और ड्राइंग एरिया तीनों यहाँ पे मिल जाते हैं आपको सेपरेट। यहाँ से हमने एंटर किया था, एक और एंट्रेंस आपकी है जो कि आपके यहाँ पे ड्राइंग एरिया की तरफ ओपन होती है। मेहमान वगैरह आते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट अपने यहाँ बैठ सकते हैं। आपके अंदर की जो एंट्री है वो भी वहाँ से सेपरेट रहने वाली है। अब देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे तीन सोफ़ा यहाँ पे अरेंज किए हैं, बढ़िया सी जगह है। और आपके यहाँ पे देखेंगे आप सेंटर टेबल दी है। सामने का जो पार्ट है वो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ से लुक आ रहा है। और यहाँ पे है बढ़िया सा एक सुंदर सा मंदिर, देख लीजिए एक बार। ड्राइंग एरिया से आगे की तरफ आएंगे तो ये है आपका एक सिक्स सीटर डाइनिंग एरिया। देखिए एसी वगैरह आपके यहाँ पे सामने की तरफ लिविंग एरिया में भी लगी है एसी, ड्राइंग एरिया में भी लगी है। और जैसा मैं अभी आपको ये हाउस दिखा रहा हूँ सेम एजिट आपको ये मिलने वाला है। नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, वहाँ आप पूरी ही चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, विजिट अपना प्लान कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया के सामने की तरफ आपका किचन एरिया है जो कि आता है आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ आपका ये हाउस है। और डाइनिंग एरिया के बाद में है आपका लिविंग एरिया। और यहाँ आप देखेंगे तो सोफ़ा वगैरह प्रॉपर यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। सामने की तरफ है इनके एक LED पैनल जो कि पूरी ही जो वॉल है उस पर तैयार किया हुआ है। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्टोरेज के लिए भी कुछ जगह दी है। और पीछे की तरफ भी आप देखते हैं तो फिक्स ग्लास के साथ में आपको ये पोर्शन मिल जाता है। पीछे की तरफ भी ग्रीन एरिया है, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। और अब देखिए यहाँ पे बची है आपकी किचन, आपका बेडरूम, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ से साइड में आप देखते हो तो ये आपका स्टेयर्स का पार्ट है जो कि आपको लेके जाता है ऊपर के फ्लोर पे। सामने की तरफ है आपकी ऑटोमेटिक लिफ्ट और ये भी लेके जाती है आपको ऊपर के फ्लोर पे। यहाँ पे कुछ स्टोरेज के लिए जगह है। और एक चीज़ आप अभी तक मिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कोई पाउडर रूम नज़र नहीं आया आपको। तो देखिए एक तो बाहर का जो पार्ट था वहाँ पे एक आपका कॉमन बाथरूम एरिया दिया हुआ था और एक पाउडर रूम आपका यहाँ पे है। यहाँ से थोड़ा सा आपको डाउन जाना होगा। और ये देखिए सामने की तरफ वॉश बेसिन एरिया और ये है आपका एक पाउडर रूम। अब हम देख लेते हैं आपका किचन और वॉल्स वगैरह पे आप देखेंगे यहाँ पे तो इस वॉल पे बाहर की तरफ दिया है वॉलपेपर का काम। और यहाँ से है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मॉड्यूलर किचन। किचन में भी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको वॉल्स पे फ्लोरिंग में कंप्लीट आपको यहाँ पे स्टोन का वर्क मिलने वाला है। देख ही पा रहे हैं आप किस तरह की यहाँ पे आपके किचन का जो लुक है वो है। और किचन में भी देखिए सामने की तरफ दिया है बड़ा सा एक फिक्स ग्लास। और ये बेनिफिट है कि यहाँ पे ईस्ट फेसिंग का आपका हाउस है तो जैसे ही सुबह आप किचन में आते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट आपके किचन में आने वाली है।
यहाँ पे सिंक एरिया, एक डिशवॉशर जो है अभी यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है वो आपको लगा के दिया जाएगा। आपका बर्नर, चिमनी, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है। साइड में भी आप देखते हैं ऑन वगैरह, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। और ये जो है आपके ड्रॉवर्स है, इनमें देखिए छोटी LED लाइट्स यहाँ पे दी है और सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आपको ये मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ आपके यहाँ पे कैबिनेट्स, इनमें भी प्रॉपर मिल जाता है आपको स्टोरेज। ऊपर की जो सीलिंग डिजाइन है वो देखते हुए आप आइए बेडरूम की तरफ चलते हैं अब। और ये हाउस आपको कैसा लगा आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताइए। आप किस तरह की प्रॉपर्टी देखना पसंद करते हैं वो भी हमें बता दीजिए। और यहाँ सामने की तरफ आपका बेडरूम, और एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक और डोर दिया है। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो इसमें जो आपकी पाइपलाइंस है ऊपर की तरफ से जो आ रही है वो इसके अंदर है। तो कभी कुछ प्रॉब्लम आती है प्लम्बिंग वगैरह में, तो कोई तोड़ फोड़ ना हो, तो वो सेपरेट यहाँ से उतारी हुई है। इस साइड में है बेडरूम। हम एंटर हो चुके हैं इस हाउस के फर्स्ट बेडरूम में, और यार इस बेडरूम में मिल जाता है आपको अटैच बाथरूम। साथ ही इस हाउस की यही खासियत है कि हर एक जगह आपको बहुत ही अच्छा ग्रीन जोन मिल रहा है। देखिए यहाँ से भी आप देखेंगे तो घर के सामने की तरफ जो ग्रीन एरिया है वो आपको यहाँ से दिखता है, पीछे की तरफ देखते हैं तो वो आपको यहाँ पे प्लांट्स वगैरह दिखते हैं। देखिए मेरे को तो प्लांट्स वगैरह से बहुत ही अच्छा प्यार है और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। आपको कैसे लगते हैं प्लांट्स वगैरह की घर में होने चाहिए, कितने होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब देखिए इस रूम में एक डबल बेड आपका यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। पीछे की तरफ बहुत ही बढ़िया सा हेड की तरफ वर्क है और वॉलपेपर का भी यहाँ पे यूज किया है। ऊपर की डिजाइन आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे आप देखते हैं इस रूम में, तो देखिए इस साइड में वार्डरोब्स दी है, सामने की तरफ आपका एक मिरर एरिया है, AC आपकी यहाँ भी इंस्टॉल की हुई है। बेड के सामने की तरफ LED पैनल, साथ ही यहाँ पे है डबल वार्डरोब और यहाँ पे दिया हुआ एक बड़ा सा मिरर। और इस साइड से आप देखते हैं तो ये देखिए फिक्स ग्लास है और सामने से कितना अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। इस बेडरूम का जो अटैच आपका बाथरूम है उसका आप लुक देखिए एक बार। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन एरिया और सामने की तरफ देखिए बड़ा सा यहाँ पे दिया है एक मिरर, ऊपर की तरफ लाइटिंग वगैरह। शावर जो एरिया है आपका वो है सामने की तरफ देखिए सेपरेट, पूरा यहाँ पे सेपरेट दिया हुआ है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न सीट दी है, गीजर वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। और ये यहाँ पे एक आपका वेंटिलेशन पॉइंट है। तो ये हमने कंप्लीट किया आपका ग्राउंड फ्लोर। और देखिए अभी ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट नहीं हुआ है, घर काफ़ी बड़ा है तो वीडियो भी थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनेगा। और हम चल रहे हैं यहाँ से आपके बैकयार्ड के एरिया की तरफ, और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत पार्ट आपको मिल रहा है। देखिए सामने की तरफ यहाँ भी आपको एक जगह मिल जाती है, और ये जो जगह है इसे आप यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग मशीन रखने के लिए। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रख दीजिए, कपड़े वगैरह सुखाने हैं यहीं पे पीछे की तरफ कपड़े सुखा लीजिए। और वेंटिलेशन देखिए बाथरूम का है, आपके क्रॉस वेंटिलेशन आपके लिविंग डाइनिंग एरिया का प्रॉपर यहाँ से हो रहा है पीछे की तरफ ये जगह छोड़ने से। एक बार यहाँ से भी ऊपर की तरफ भी आप देखिए, कुछ दिखेगा तो नहीं लेकिन देख लीजिए एक बार लुक। और अब हम चलने वाले हैं आपके इस हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे, और जो आपकी रेलिंग है इसमें ग्लास और ग्रेनाइट का यूज किया है। यहाँ पे आप आते हैं तो देखिए यहाँ भी कुछ लाइटिंग वगैरह का काम है, सामने की तरफ यहाँ भी एक फिक्स ग्लास दिया है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे एक 8x8 का आपको एक छोटा रूम दिया है, आप अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं जैसे स्टोर रूम वगैरह की तरह। और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, तो अब हम आ चुके हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पे। और ये जो फ्लोर है इस पे आपको मिल रहे हैं 2 बेडरूम, साथ ही यहाँ पे एक ओपन
बढ़िया सा बालकनी एरिया, इस जगह अरेंजमेंट किया है कुछ सिटिंग अरेंजमेंट। और ये जो पार्ट है ये देखिए किस तरीके से डिज़ाइन किया है, ऊपर की डिज़ाइन से एक बार देख लीजिए। साइड में आपका लिफ्ट है ही, और यहाँ से आप देखिए पीछे की तरफ चलते हैं, डबल डोर यहाँ भी दिया है, और यहाँ पे कुछ गमले वगैरह रखे हैं। ऊपर की तरफ आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरा है, आपकी लाइटिंग वगैरह का काम करके यहाँ पे दिया गया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपके बेडरूम, और ये जो बेडरूम है यार बहुत बढ़िया साइज के अंदर है। आइए एक बार देखिए, यहाँ से एंटर करते एक छोटी लॉबी, इस साइड में आपका बाथरूम एरिया, इस साइड में आपकी वार्डरोब्स है। तो ये देखिए पहले बाथरूम एरिया, साइज़ देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया है। साइड में आपका यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया है, और जस्ट सामने की तरफ यहाँ पे है वार्डरोब, ये देखिए। अब वार्डरोब में भी आप एक चीज़ देखेंगे तो अंदर की तरफ भी देखिए, आपका जो इटालियन जो स्टोन है उसमें ही काम किया हुआ है, ड्रॉवर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिए हुए हैं। और हाइट जो है वार्डरोब की ये देखिए आप कंप्लीट ऊपर तक दी हुई है, और यहाँ भी एक विंडो दी है। इस साइड आप आते हैं तो यहाँ पे सामने की तरफ दिया है एक बड़ा मिरर, इस साइड में भी एक मिरर दिया है, और कुछ स्टोरेज के लिए भी जगह दी है। अब देखिए ये जो रूम है इसके तीनों ही तरफ आपको ग्रीनरी मिलने वाली है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कंप्लीट। पहले देखिए आप यहाँ पे देखिए किंग साइज का बेड है, और पीछे की तरफ का जो वर्क है वो किस तरीके का है, ऊपर की डिजाइन से एक बार देख लीजिए आप। और फिर आप बेड के सामने की तरफ देखेंगे तो बेड के सामने की तरफ आपको मिलने वाला है एक बड़ा सा LED का पैनल, और इस कॉर्नर में दिया है यहाँ पे एक आपको सीटिंग अरेंजमेंट। आप अपना ऑफिस का वर्क करना चाहे, स्टडी वगैरह का कुछ करना चाहे तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर की तरफ रैक्स दी है, कुछ अपनी बुक्स वगैरह स्टोर यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखिए इस रूम में यहाँ एक फिक्स ग्लास दिया है, बाहर की तरफ आपकी बड़ी एक बालकनी वो कनेक्ट करती है उस सेकेंड बेडरूम को, तो वहाँ से अभी हम देखेंगे। और इस बेडरूम में सामने का जो पार्ट है यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा टफन दिया है, और यहाँ से हम चल रहे हैं आपके बालकनी एरिया की तरफ, और इसमें देखिए सामने की तरफ गमले वगैरह रखे हैं, और साइज लगभग 5 फीट की है, और जो लेंथ है वो अराउंड 12 फीट के आसपास है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी फैन वगैरह लाइटिंग वगैरह प्रॉपर यहाँ पर की हुई है। अब यही रूम साइड में और कनेक्ट करता है आपकी एक और बालकनी को, वो देखिए यहाँ से कनेक्ट हो रही है, डबल डोर है यहाँ भी, और ये देखिए। तो यार इस रूम में तो काफ़ी बढ़िया आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस रूम के तो चारों ही तरफ आपको ग्रीनरी मिल जाती है यहाँ पे सामने की तरफ। और अब हम देखने वाले हैं आपके थर्ड बेडरूम और इस फ्लोर के सेकेंड बेडरूम को। ये देखिए बेडरूम, इस रूम में भी आप आते हैं तो प्रॉपर आपको जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे मिलने वाला है, AC है, आपका बेड है, सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। एक बार आप लुक देखिए, सामने की तरफ यहाँ पे प्रॉपर वार्डरोब है, इस साइड में भी LED पैनल, यहाँ पे वार्डरोब, और यहाँ अटैच आपका बाथरूम एरिया। बाथरूम में आप देखते हैं तो यहाँ देखिए सामने मिरर दिया है बड़ा सा, शावर एरिया वहाँ पे आपका सेपरेट है, इस साइड में आपका वॉश बेसिन एरिया, ऊपर की तरफ यहाँ भी एक बढ़िया सा मिरर, इस साइड में है वेस्टर्न सीट, और पीछे की तरफ वेंटिलेशन पॉइंट। अब इस रूम में आप देखेंगे तो ये रूम भी कनेक्ट करता है आपकी एक बढ़िया सी बड़ी सी बालकनी को, और आइए एक बार सामने की तरफ।
यहाँ पे आप चेयर वगैरह लगा के बैठेंगे तो यार बहुत अच्छा आपको सुकून मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए सामने की तरफ इस वॉल पे भी काफ़ी अच्छा डेकोरम, सामने की तरफ यहाँ पे प्लांट्स वगैरह गमले रखे हैं। और अभी यहाँ पे देखिए कुछ आप अरेंजमेंट करवाना चाहो तो आप यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, आगे का जो टेरेस एरिया है वहाँ भी। तो अब एक काम तो आपको करना पड़ेगा, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया और अब तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू आपको, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तो बहुत ही अच्छी अच्छी और प्रीमियम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब हम मूव कर रहे हैं आपके सेकेंड फ्लोर की तरफ, आइए। और इसमें आप देखेंगे स्टेयर्स में तो आपको जो लाइटिंग का काम है वो आपको नीचे की तरफ सेंसर का दिया गया था। और यहाँ आप आते हैं तो देखिए यहाँ दिया आपका एक कॉमन बाथरूम एरिया, यहाँ पे साइड में एक वॉश बेसिन एरिया, और यहाँ से हम आ चुके हैं आपके सेकंड फ्लोर पे। और ये जो फ्लोर है इस फ्लोर पे दो बेडरूम है, सॉरी एक बेडरूम, एक आपका स्टडी रूम या फिर आप बेडरूम बनाना चाहे तो आपका बेडरूम हो जाएगा। ओपन टेरेस है वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पेंट्री एरिया है, ज़्यादा खाने पीने के शौकीन है, और ऊपर ही आपका कुछ देखिए नीचे तो मम्मी आपके लिए बना ही देंगे, और एक्स्ट्रा आपको कुछ बनाना खाना है ऊपर की तरफ तो यहाँ आराम से बनाओ खाओ पढ़ो, और स्टडी रूम भी देख लो। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे इसे डिज़ाइन किया है, सामने की तरफ बुक्स वगैरह आप स्टोर कीजिए अपनी आराम से, या फिर कंप्यूटर वगैरह कुछ सेटअप करना है वो आप यहाँ पे कीजिए। ये यहाँ पे बड़ी सी एक और वार्डरोब, एसी यहाँ भी आपकी फिटेड है। इस साइड में देखेंगे आप तो यहाँ देखिए किस तरीके की क्या डिज़ाइंस आपको मिल रही है, जैसे ड्रॉर्स दिए हैं, एक और कंप्यूटर आप यहाँ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट आपका स्टडी रूम, और अब आइए आप आपके लास्ट बेडरूम की तरफ। और यार इस बेडरूम से जो सामने का व्यू है ना, पहले आप वो ही देखिए किस तरीके का है, भाई साहब गमले गमले रखे हैं, पौधे पौधे हैं सामने की तरफ तो, और ईस्ट फेसिंग हाउस है। और सर्दियों में भी मज़े आने वाले हैं, गर्मियों में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको फील होने वाला है। सर्दियों में तो सुबह उठे ईस्ट फेसिंग है, सामने बड़ा सा फिक्स ग्लास दिया है, आराम से यहीं बैठ जाओ चेयर लगा के। और यहाँ पे एक बेड आपका, एसी यहाँ भी लगाई हुई है, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं एक बार आप देखिए। यहाँ पे अटैच आपका जो बाथरूम है वो यहाँ भी है, देख लीजिए एक बार। वीडियो जो है काफ़ी बड़ा यहाँ पे बन गया, क्योंकि घर भी यार काफ़ी बड़ा है, और इसकी और भी कुछ डिटेल्स रह गई हो तो वो आप नीचे जो नंबर दिए हैं वहाँ से ले सकते हैं। अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है, 325 गज में बनी हुई है, और जो इसकी रेट है वो है 5.75 CR। और ये है आपका यहाँ पे ओपन टेरेस, देख लीजिए एक बार। यहाँ से भी मैं आपको जो साइड का जो लुक है वो दिखाना चाहूँगा, तो दोस्तों उम्मीद है आज की प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और मिलते हैं आपसे फिर और एक नए प्यारे से प्रॉपर्टी वीडियो में। थैंक यू।